दोस्तों आप सभी को नोट रूम में स्वागत है। दोस्तों आज मैं थोड़ा अलग बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे देश में इतनी बड़ी स्वच्छ अभियान चल रहा है, फिर भी आज हम लोग अपना अपना एरिया को स्वच्छ नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों तुम्हें कोई ये नहीं कह रहे कि जाओ पूरा देश साफ करके आओ। दोस्तों हमारा 130 करोड़ का आबादी से हर आदमी अगर अपना पैर का नीचे का जमीन साफ कर लेगा ना, तो फिर हमारा देश अपने आप स्वच्छ होने लगेगा। दोस्तों आज भी आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, फुटपाथ जिधर भी नज़र डालेंगे, आपको लोगों से ज़्यादा गंदगी नज़र आएगा। दोस्तों मैं डेली का ट्रैवल में ऐसी काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर चुका हूँ, जिसमें आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। मैं एक्चुअली लोकल ट्रेन से ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जो अपने बोतल में पानी पीने के बाद उस बोतल को डस्टबिन में कम और रेल लाइन में ज़्यादा ही फेंकते हैं। कुछ लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हुए अपना खाने का जो प्लास्टिक पेपर होता है उसको या तो रेल लाइन में या तो ट्रेन के अंदर फेंक देते हैं। मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आपको डस्टबिन नज़र नहीं आता है तब तक वो प्लास्टिक अपना बैग में या तो अपने पॉकेट में रखिए। जब आपका स्टेशन आ जाएगा अब उतर के वहीं पर डस्टबिन में फेंक दीजिए। और एक चीज़ जो आपको इंडिया का कोई भी रेलवे स्टेशन में देखने को मिल जाएगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म में खड़े होकर अपना दाहिना या बाईना में एक बार देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कोई ना कोई वाटर टैप से कंटिन्यू पानी निकल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पे कोई आदमी नहीं है वो टैप बंद करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर आदमी ये देख के भी इग्नोर कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों ये रेलवे देश का संपत्ति है, एक तरफ से ये हमारी भी संपत्ति है। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम अपने संपत्ति का अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डेली ट्रैवल में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे आके आपको वही प्रॉब्लम फिर देखने को मिलता है। दोस्तों मेरा सिर्फ ये बात ध्यान में रखिएगा, हर छोटे छोटे एक्शन का एक बड़ा रिएक्शन होता है। दोस्तों आप अगर ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में हर टाइम जुड़े रहते हैं तो मैं कहूँगा आप जुड़े रहिए। हो सकता है आज आपको देख के कोई नहीं आ रहा है आप जैसा काम करने के लिए, एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको देख के इंस्पायर हो के एक नहीं 100 आएगा। दोस्तों 100 आदमी के अंदर एक आदमी हीरो बन जाता है तब जब वो कुछ अलग करके दिखाता है, कुछ यूनिक करके दिखाता है जो आप कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करिए, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी को दबा दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।